सैयद यासीन तामोली जी की उम्मीदवारी तय होते ही उन्हें चाहने वालों का तांता लगा रहा। वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के पद अधिकारी व कार्यकर्ता भी सैयद यासीन तामोली जी से मिलने बड़ी संख्या में पहुंचे। बाला साहब ने हमारे पे जो विश्वास किया है, विश्वास रख के हमको टिकट दिया, उसको हम कामयाब करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग अपना इतनी तादाद में लोग हमारे पास आए और अपना हम पे जो विश्वास रखे है, बहुजन अघाड़ी पे इनका जो विश्वास है, बाला साहब का जो अपना इन पे विश्वास है, उस विश्वास को हम कभी ख़राब होने और अपना डूबने नहीं देंगे। आप बोल सकते हो कि हमारे बदन में, जैसा आपने बोला तो मेरा रोम खड़े हो गए। बाबा साहब जी हमारी प्रेरणा है, उनका खून हमारे रोगों में दौड़ रहा है, उनके विचार हम लोग लेके चलते हैं, उन्होंने जो शिक्षा रखी है, जो संविधान दिया है, वो संविधान के ऊपर हम लोग चलते हैं, वही संविधान को फॉलो उनके पोते कर रहे हैं जो बाला साहब अम्बेडकर है। इस अवसर पर मिठाई बांटी गई, बड़ी संख्या में वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी की महिला भी शामिल हुई। इस अवसर पर सैयद यासीन तामोली जी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, अपना कैपिटल होने की वजह से हिंदुस्तान का इसको और वर्ल्ड में बॉम्बे को जाना जाता है, उसके बाद भी 172 का जो एरिया है, विभाग है, ये अपना बिछड़ा हुआ एरिया है, जहाँ पे आज भी एजुकेशन के लिए हम परेशान हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए परेशान हैं, हम हॉस्पिटल्स के लिए परेशान हैं। इसके ऊपर हम पूरी कोशिश करेंगे और जीत के आने के बाद इंशाल्लाह ताला इस सब पे काम करेंगे। और बाला साहब अम्बेडकर यही दिखाना चाहते हैं कि जो समाज वंचित रह चुका है, जो चेहरे जिनको कोई पहचानता नहीं उनको मैं आमदार बनाऊंगा, जिनको कोई पहचान नहीं उनको मैं विधानसभा में सत्ता में लेके जाऊंगा और उनसे ये महाराष्ट्र चलवाऊंगा, जिनकी परेशानी जिनको खुद को मालूम है वो आमदार उस परेशानी पे काम करेगा। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए एसटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।